गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स शुरू में भी एक दिन चर्चा किए थे कि एक ऐसा सेल है या डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से लाएंगे? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि बैटरी से भी ला सकते हैं या तो फिर पावर सप्लाई जहाँ है वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा डिवाइस कह सकते हो इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ट। इलेक्ट्रिक करंट पास करने का इंतजाम करो थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट से होगा, उसका सॉल्यूशन लो या उसका मेल्ट लो, मेल्ट मतलब पिघला हुआ लो, टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? वही होता है इलेक्ट्रिक करंट पास इज पास्ड टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। एक बहुत ज़्यादा जाना पहचाना क्लास 10 में एग्जाम्पल देखा होगा, इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती थी, एंड इन दैट केस इम्प्योर कॉपर इज मेड एन एनोड, एनोड बनाया जाता है, इम्प्योर कॉपर का एनोड बनाया जाता है प्लस साइन, और फिर ये प्योर कॉपर का कैथोड बनाया जाता है, एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज टेकन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिवाइस वेसल में। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जब लेंगे तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन में वो डिसोसिएट हो जाएगा, एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो कैथोड पर क्या होगा, जो सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर सल्फेट है तो आयन लाइक कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन आर टचिंग द रॉड, कॉपर रॉड, तो कॉपर रॉड को टच करने के लिए कॉपर आयन है और सल्फेट आयन है, यहाँ रिडक्शन होना है तो कॉपर आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस कॉपर एटॉमिक कॉपर मींस सॉलिड कॉपर एंड दैट कॉपर सॉरी दिस इज द एनोड, दिस इज द एनोड। तो ये एनोड है, ये एनोड का रिएक्शन यहाँ पर है। एनोड में क्या होगा, कॉपर फ्रॉम दी एनोड यानी दिस रॉड, कॉपर एटम फ्रॉम दिस रॉड विल बी कन्वर्टेड इन टू कॉपर आयन प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द लॉस्ट इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन द इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोड इट सेल्फ एंड द कॉपर आयन विल गो टू द सोल्यूशन, इसको कहते हैं कॉपर डिजॉल्व हो गया, कॉपर आयन सोल्यूशन में चला गया और कहते हैं कॉपर डिजॉल्व हो गया। इस तरह से इम्प्योर कॉपर का एटम कॉपर आयन का फॉर्म होकर सॉल्यूशन के अंदर चला गया और ये जो कैथोड है उसमें रिडक्शन होना है, तो यहाँ जो कॉपर आयन है इसके कांटेक्ट में, इसके टच में, यहाँ पर क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, कॉपर आयन पॉजिटिवली चार्ज है, सडनली अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आने के बाद इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रोड लेकर ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट कॉपर विल बी डिपॉजिटेड ऑन दिस रॉड और ऑन दिस कैथोड, और धीरे धीरे ग्रेजुअली दिस विल बिकम थीकर एंड थीकर, ये थीकर होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, कॉपर जमा होता जाएगा और इसका कॉपर डिजॉल्व होते होते ये धीरे धीरे थीनर यानी पतला होते जाएगा और ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और यहाँ जितना है सारा प्योर कॉपर डिपोजिट हो जाएगा, एंड दैट वे हमको इम्प्योर आ जाएगा, इम्प्योरिटी जो है वो नीचे रह जाएगा, एनोड मड के रूप में ही सब पड़े हुए हम लोग। इस तरह से ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस का एक नमूना है। इलेक्ट्रोलाइसिस से कुछ ऐसे मेटल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, ये ऐसे मेटल हैं, इनका जब एक्सट्रैक्शन करने की बात होती है, इनके जो जनरली ओर्स होते हैं, सोडियम का सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम का कार्बोनेलाइट होता है KCl, MgCl2, 6H2O, एंड अल्मोनियम का अल्मोनियम ऑक्साइड होता है जो कि ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में 2H2O लिखे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड अल्मोनियम, इसी ओर से मेटल्स प्राप्त किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से किया जाता है, क्योंकि ये जो ओर्स हैं या इनका रिडक्शन किसी केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट से पॉसिबल नहीं होता है, एंड द ओनली वे ये जो इसके इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जाएँ, इसके जब इलेक्ट्रोलाइट्स लिए जाएंगे मोल्टन फॉर्म में तो सोडियम आयन रहेगा हमारा कैथोड के पास, यहाँ पर मैग्नीशियम का आयन होगा कैथोड के पास और इस केस में अल्मोनियम का आयन होगा कैथोड के पास, और ये केटाइन्स रिड्यूस होकर फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सोडियम विल बी डिपॉजिटेड एट दी कैथोड, ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मैग्नीशियम विल बी डिपॉजिटेड एट दी कैथोड 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अल्मोनियम विल बी डिपॉजिटेड एट दी कैथोड। तो इस तरह से ये मेटल्स प्राप्त किए जाते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और अल्मोनियम by the reduction of their respective cations, and these cations are obtained from the
इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ द कंसर्न्ड मेटल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक नमूना हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस का एक नमूना हो गया। देन ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रोलाइसिस से ये मेटल्स प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। अब ये है क्या, कितना मेटल प्राप्त होगा और वो डिपेंड करेगा किस पर। तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माइकल फैराडे काफी एग्जॉस्टिव एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद 1833-1834 ईस्वी के दरमियान बहुत सा एग्जॉस्टिव सो मेनी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय टेकिंग सो मेनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस एंड मेल्ट्स एंड ही गेव टू लॉज, उसको कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें दो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ में कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब जितना रिएक्शन होगा उतना ज्यादा मेटल डिपॉजिट होगा, यानी सब्सटेंस डिपॉजिटेड, सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जितना रिएक्शन उतना सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द कैथोड या एट द एनोड। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इसका मतलब हुआ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, जितना करंट पास करेंगे अमाउंट ऑफ करंट पास, करंट जितना ज़्यादा अमाउंट में करंट पास करेंगे ज़्यादा है सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, कम अमाउंट में करंट पास करेंगे तो आप सब्सटेंस डिपॉजिट। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या था फैराडेज का, फैराडेज का सेकंड लॉ ये था कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं। मान लो कि सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइट लेकर हम सिल्वर डिपॉजिट करना चाहते हैं, कॉपर सल्फेट लेकर कॉपर डिपॉजिट करना चाहते हैं, कहीं अल्मोनियम का बॉक्साइट लेकर अल्मोनियम डिपॉजिट करना चाहते हैं, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर वो सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और जब हम करंट पास करेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ करंट विल बी पास्ड थ्रू ऑल द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट करवाने का इच्छा है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर सिल्वर जमा हो, एक में कॉपर जमा हो, एक में अल्मोनियम जमा हो, ये हमारा मकसद है। और हम करंट पास करना शुरू किए तो जब सीरीज में जुटा हुआ है तो सेम अमाउंट ऑफ करंट इज बीइंग पास्ड। तो इसमें सेकंड लॉ में कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस, proportional to their chemical equivalent weights, their chemical equivalent weights। अब chemical equivalent weight कैसे निकलेगा, chemical equivalent weight निकलेगा atomic mass divided by number of electrons required for electrode use, और इलेक्ट्रोड यस इलेक्ट्रोड में जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए से डिवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल अगर सिल्वर का निकालना हो केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अगर निकालना हो तो सिल्वर का एटॉमिक मास लगभग डिवाइडेड बाय वन। आपको पता है कि सिल्वर वाला जब भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा यानी कैथोड पर जब भी सिल्वर जमा होगा तो एक प्लस होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इस तरह से इस रिएक्शन से सिल्वर जब डिपॉजिट करना होगा कैथोड पर दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। अगर कॉपर डिपॉजिट करना है तो कॉपर में दो प्लस चार्ज है
तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सिल्वर का केमिकल इक्विवेलेंट वेट निकालना है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट अगर कॉपर का निकालना हो तो कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 और टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर लग गया बाय टू। अब इसको डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा इसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। सिमिलरली जब अल्मोनियम की बात आएगी तो उसका 27/3 हो जाएगा, तो उस तरह से जमा होता है। अब सवाल उठेगा, तो ये दो लॉ, पहला लॉ है कि सिंगल इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या मेल्ट लेकर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो जितना अमाउंट में करंट पास करेंगे उसी हिसाब से सब्सटेंस डिपोजिटेड एट द कैथोड और ऑन इट एनोड, मेटल जनरली कैथोड पे जमा होगा। और दूसरा लॉ यह है कि नहीं, अगर कई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस लिए गए उसको सीरीज में कनेक्ट करके हम सब चाहते हैं, देखना चाहते हैं कितना 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 जमा हो रहा है, तो अपने अपने केमिकल इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल जमा होगा, जैसे इस रेशियो में जमा होगा कि इस रेशियो में जमा होगा। अब है कि अमाउंट ऑफ करंट कैसे तय होगा, कितना अमाउंट ऑफ करंट कैसे तय होगा, कितना पास हुआ, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ करंट के लिए इक्वेशन होगा हमारे पास क्यू इक्वल टू आई टी, आई टी क्यू होगा कूलम में, आई होगा एम्पियर में, एम्पियर में, और टी होगा सेकेंड में, आई होगा एम्पियर में और टी होगा सेकेंड में। लेकिन हर एक इलेक्ट्रोड के लिए कितना अमाउंट ऑफ करंट चाहिए फॉर द डिपो फॉर गेटिंग और ए सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सिल्वर हमको पता है किसी को चाहिए कि नहीं, सिल्वर हमको 500 ग्राम चाहिए तो कितना करंट पास करना पड़ेगा। उसी तरह से क्या 500 ग्राम कॉपर के लिए भी उतना ही करंट जमा पास करना पड़ेगा, अल्मोनियम 500 ग्राम अगर बनाना है तो क्या उतना ही करंट पास करना पड़ेगा? नो, इसका जवाब है नो, क्योंकि कितना अमाउंट में करंट लगेगा दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन और द स्टोइकोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये तो है, एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितना होगा, आई मालूम है, एम्पियर मालूम है, तो ठीक है, लेकिन फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होना है या रिडक्शन होना है तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड और द ऑक्सीडेशन पब्लिक रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और पब्लिक रिडक्शन ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ एनी सब्सटेंस और एनी स्पेसिस depends upon the stoichiometric of the electrode reaction. As for example, मान लो कि सिल्वर का अगर वो डिपॉजिट करना है कैथोड पर, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज दिस वन, अब यहाँ साफ पता चलता है कि ये जो इस रिएक्शन का जो स्टोइकोमेट्री ये है कि फॉर वन एटम ऑफ सिल्वर वन इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, फॉर वन मोल ऑफ सिल्वर हमको पता है अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम, अब वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा दैट वी हैव टू डिसाइड। सिमिलरली अगर हम कॉपर जमा करना चाहते हैं तो इसका रिएक्शन ये होगा, यानी इस बार 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिटिंग 1 mole ऑफ कॉपर, 1 mole चाहिए, 2 mole इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 mole कॉपर हमें पता है 63.5 ग्राम, ठीक है। तो ये स्टोइकोमेट्री डिपेंड किया, सिल्वर का 1 mole डिपॉजिट करना है तो 1 mole इलेक्ट्रॉन चाहिए, कॉपर 1 mole चाहिए तो इलेक्ट्रॉन 2 mole चाहिए, अगर अल्मोनियम डिपॉजिट करना चाहोगे 1 mole अल्मोनियम 37 ग्राम होता है, सबको पता होगा, देन यहाँ पर 3 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक 3 moles का इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज के बराबर होता है, या 1 mole या 2 mole का इलेक्ट्रॉन
2 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, कितने कूलम के बराबर होगा, क्योंकि हमको तो चार्ज का यूनिट कूलम मालूम है, ये तो इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होगा। तो इसके लिए हमें पता है 11th क्लास से 9th में भी चर्चा थी, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, मोल कंसेप्ट तो 9th में भी है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, क्या चार्ज ऑन 1 1.602 × 10⁻¹⁹ तो इतना एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, इतना इलेक्ट्रॉन पर होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.02 × 10⁻³⁹ × 1.602 × 10⁻¹⁹ इतना पर मोल एक मोल में इतना इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसको पर मोल कहते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 96,487 कूलम पर मोल होगा। तो यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलम चार्ज होंगे, और पर मोल इसलिए यूनिट में आता है क्योंकि पता चलना चाहिए कि 1 मोल का ये चार्ज है। और इसको सबसे पहले फैराडे ने कैलकुलेट किया था, इसीलिए दिस मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नोन एज 1 फैराडे। अब जरा से यहाँ सिल्वर वाले, 1 मोल सिल्वर ऑब्टेन करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट में अगर चाहिए तो 96,487 कूलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विच यू कैन से 1 फैराडे, इसको 1 फैराडे भी कह सकते हो। सिमिलरली 1 मोल अगर 1 फैराडे है तो कॉपर वाले में 2 फैराडे चाहिए 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करने के लिए, एल्युमिनियम डिपॉजिट करने के लिए 3 फैराडे चाहिए, 3 फैराडे 1 फैराडे दिस मच, 3 फैराडे 3 × 10⁻³ ऑफ कूलम। तो इस तरह से किस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौन सा सब्सटेंस कैथोड पर डिपॉजिट करना है, उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमेशा 1 मोल तो नहीं चाहिए सिल्वर, 108 ग्राम 1 मोल हुआ, अब हमेशा 108 ग्राम ही तो नहीं बनाना है, हमको कभी 5 ग्राम बनाना है, 10 ग्राम बनाना है, किलोग्राम में भी बनाना पड़ सकता है, मान लो 100 किलोग्राम बनाना है। तो एक हम लोग यूनिटरी मेथड से या कैलकुलेशन से निकाल लेंगे कि भाई 108 ग्राम बनाने के लिए अगर 1 फैराडे यानी 96,487 कूलम चाहिए, तो अगर 10 किलो बनाना है तो कितना चाहिए, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। अब क्या है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर तुम रिकॉल कर पा रहे होगे तो 10th में एक जगह का सोडियम क्लोराइड का अगर मेल्ट लिया जाए पिघलाकर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहले प्लस बनेगा मेल्ट पिघला हुआ है, प्लस सोडियम आयन और एक सीएल माइनस मेल्ट बनेगा, यही हमें नेचुरली ये प्लस वाला जाएगा किधर, कैटायन है को कैथोड की ओर जाएगा, कैथोड में रिडक्शन होना है, सोडियम विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है तो सीएल माइनस का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो फ्लोरीन वेस्ट बनेगा और इलेक्ट्रॉन लॉस होगा एनोड पर, तो एक जगह सोडियम बना और एक जगह क्लोरीन का गैस बना, कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हुआ और एनोड पर क्लोरीन का गैस लिबरेट हुआ। बट क्लास 10 में ही हम लोग पढ़े हैं अगर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन दिया जाए तो तुम्हें याद आ रहा होगा क्लास 10 में पढ़े थे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हालांकि अपने धीरे धीरे क्रिस्टलाइज करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा, शुरू में एक्वस रहेगा, देन हाइड्रोजन बनता है गैस और क्लोरीन गैस बनता है। सी प्रोडक्ट अलग अलग है, यहाँ प्रोडक्ट है सोडियम और क्लोरीन दो प्रोडक्ट, ओनली 2 प्रोडक्ट्स आर देयर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैरिड आउट ऑन NaCl मेल्ट, बट इफ वी कैरी आउट द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन ओवर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड द प्रोडक्ट्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, सोडियम नहीं बना और हाइड्रोजन एक नया चीज़ बना जो वहाँ नहीं बना था। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बनते हैं। परिस्थिति क्या है, केवल इलेक्ट्रोलाइटिक का मेल्ट लिया है और इलेक्ट्रोलाइटिक का एक्वस सॉल्यूशन लिया, मतलब सोडियम क्लोराइड को पिघला कर ले लिए, पानी नहीं डाले हैं और दूसरे में पिघलाए नहीं है, केवल सोडियम क्लोराइड को, ऐसी नमक को पानी में डिजॉल्व करके सोल्यूशन बना के इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से दिया गया है, किस नेचर का लिया गया है, आई मीन मेल्ट लिया गया है कि वो लिया गया है, इस पर भी डिपेंड करता है। फिर हम लोग देखेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोड के नेचर पर भी डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोड को बेसिकली दो भाग में बांट सकते हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम है या गोल्ड है, और फिर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड में तो बहुत सारे हो जाएंगे, कॉपर हो जाएंगे, आयरन हो जाएंगे, ग्रह कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएंगे, तुम्हारा जाके निकेल हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, बहुत सारे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। अब है क्या, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है, प्लेटिनम यूज किया है, तो दैट प्लेटिनम दैट इलेक्ट्रोड इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन, उसका रिएक्शन नहीं होना है ना, एनोड बनाएंगे उसका, तो उसका भी रिएक्शन नहीं होगा, कैथोड का भी रिएक्शन नहीं होगा। ये इलेक्ट्रोड जो इनर्ट है वो एक ही काम करेगा कि आइदर इट विल एक्ट एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जरूरत है तो कैथोड का काम किया तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देगा रिडक्शन के लिए, या फिर सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रोड पर आके वो डूब के रह जाएगा, मतलब जमा होकर रह जाएगा, सोर्स ऑफ और सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में इनर्ट इलेक्ट्रोड काम करेगा। जबकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो वो एनोड बना देंगे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का, तो उसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होने लगेगा, जैसे अभी देखे थे कॉपर का, थोड़ी देर पहले देखे थे, शुरुआत ही किए थे, प्योर कॉपर में रिडक्शन होना शुरू हुआ और इम्प्योर कॉपर का ऑक्सीडेशन होने, कॉपर दोनों जगह रिएक्शन करना शुरू किया, एनोड पर भी और कैथोड पर भी, जेके सिंह भी समझ जा रहे हैं, देखो तो कॉपर जो है एनोड पर भी रिएक्शन करने लगा और कैथोड पर भी रिएक्शन करने लगा, तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। और दो बात हो गई कि इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट जो है यानी सब्सटेंस का नेचर कैसा है, एक्वस है कि मेल्ट है, और दूसरा इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है, और तीसरा एक और है, कभी कभी कोई रिएक्शन जो है पॉसिबल है, इलेक्ट्रोकेमिकली फिजिबल है, बट लोअर वोल्टेज जो उपलब्ध है जनरली हमारे पास लैब वगैरह में या जहाँ भी एक्सपेरिमेंटल सर्कमस्टांसेस में जितना वोल्टेज हम दे सकते हैं, उसमें वो रिएक्शन काइनेटिकली इतना सो स्लो दैट इट सीम्स दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक प्लेस एट दिस वोल्टेज, इस वोल्टेज पर ये रिएक्शन होने वाला नहीं है, उसको एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए, जिसको ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज भी बोलते हैं। तो एक एग्जाम्पल उसका बताते हैं, पता चलेगा। जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ तो NaCl में जो पानी डालते हैं वीडियो आ जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस प्लस वाटर भी है, तो वाटर से भी तुम्हारा से कहला कि इसको ऐसे लिखना चाहिए, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम H प्लस और H माइनस बनता है, तो दोनों रिएक्शन हो गया। अब हम लोग जानते हैं दोनों यदि पॉजिटिवली चार्ज है तो दोनों ही कैथोड के पास जाएगा, ये दोनों एनोड के पास जाएगा, तो एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड व्हाट विल हैपन, एट कैथोड सोडियम चाहेगा कि मेरा हो जाए रिडक्शन सोडियम में, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है 2.71 माइनस, और अगर हाइड्रोजन का अगर होना है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है 0.0। यहाँ पर बुक में सेल लिखा होगा बट ये सेल का नहीं, चूंकि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की बात है तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर यहाँ होगा तो इसे इलेक्ट्रोड का नाम लिखना पड़ेगा या सिंपली ये ही लिखना है, सेल नहीं लिखना है। अब देखो दोनों में से वैल्यू किसका अधिक है, तो तुम देख सकते हो हाइड्रोजन वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है और ये माइनस में है, तो दिस वन इज ग्रेटर, हो रहा है रिडक्शन, प्रोसेस है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन,
कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन उसी का प्री फ्रेमली होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इसका इस इलेक्ट्रोड वाले का हाई बनता है, हाइड्रोजन वाले रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन गैस में भी लिबरेटेड एंड दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ये रिएक्शन नहीं होगा तो एन ए प्लस जैसा का तैसा रह जाएगा सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन के अंदर रहेगा, ठीक है। और ये तो हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हाइड्रोजन आयन आया कहाँ से, वाटर से। हाइड्रोजन आयन आया कहाँ से, हाइड्रोजन आयन आया कहाँ से, तो वाटर से, H प्लस वन माइनस। तो नेट रिएक्शन इस दोनों को जोड़ के देखोगे एच टू ओ और प्लस इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू हाफ एच टू गैस और प्लस टू एच माइनस। तो नेट रिएक्शन ये है कहाँ पर, कैथोड, यानी हाइड्रोजन ऐसा समझो कि कैथोड पर वाटर मॉलिक्यूल हैज बीन कंज्यूम्ड और टेकिंग इलेक्ट्रॉन एंड बीइंग कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन गैस को गैस एस्केप कर जाएगा अगर कोई इंतजाम नहीं है उसको कलेक्ट करने का, गैस विल लिबरेट, को एच माइनस विल रिमेन इन द सोल्यूशन, तो साथ सोल्यूशन में को एच माइनस रहा, माइनस रहा। अब दूसरा है क्या, एनोड पर क्या होगा। एनोड पर तो ये दोनों हैं, दिस वन एंड दिस वन, सीएल माइनस और ओएच माइनस। एट एनोड व्हाट विल हैपन, एट एनोड, एट एनोड सीएल माइनस का अगर ऑक्सीडेशन होना है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है 1.36 वोल्ट। और OH- माइनस का यदि रिडक्शन होता है, फाइनली जैसे H+ प्लस का किए थे एक्चुअली वो वाटर का होता है, ठीक है, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो OH- माइनस O2 प्लस वाइस एच प्लस प्लस टू एल, और फिर इसको वाटर, ये एक्चुअली फिर वाटर से आएगा, टू वाटर से बनेगा ये वाइस एच प्लस प्लस वाइस ओ एच माइनस, और फिर इसको तुम जोड़ोगे तो ट्वाइस वाटर इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा ओ टू प्लस, ये दोनों ऐड करेंगे तो फोर एच प्लस और प्लस प्लस फोर इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ फोर इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि दो प्लस चार माइनस के भी दो माइनस के बराबर होगा फोर इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन। अब इसका क्या है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है कितना, 1.23 वोल्ट। अब बोलो सर कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है और ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, तो नियम है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन प्रीफरेबली हो, और ऊपर में था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था रिडक्शन प्रीफरेबली होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होना है उल्टा होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन प्रीफरेबली होना है तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेस होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेटा कहता है कि वाटर का आई मीन ओएच माइनस का, ये ओएच माइनस, ओएच माइनस यानी इनडायरेक्टली या नेट रिएक्शन देखा जाए तो वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए ओ टू में, ओ टू गैस लिबरेट होना चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। तो थर्मोडाइनमिकली यानी कि वैल्यू है डाटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू उस हिसाब से ओ टू गैस बनना चाहिए एनोड पर, बट ये काइनेटिकली इतना स्लो है कि ओवर वोल्टेज रिक्वायर्ड है उतना वोल्टेज हम दे नहीं पाएंगे, यानी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का डाटा फेल हो जाएगा यहाँ एंड क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड, क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड, ठीक है। उसके अलावा एक और बात है, ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डाटा हम लोग रख रहे थे जो 0 वोल्ट था, -2.71 वोल्ट था, 1.23, 1.36 वोल्ट, तो ये तो तब के केस में लागू होगा व्हेन हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस या प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो सारा कंडीशन स्टैंडर्ड हो, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी है नहीं। तो कई बार ऐसा है कि हम सोल्यूशन लिए हैं और उसका मोलर कंसंट्रेशन 1 mole/L नहीं है, डाइल्यूट है, और फिर उसको कंसंट्रेट कर दिए या कंसंट्रेट है तो पानी डाल के डाइल्यूट कर दिए, यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू वहाँ का मायने नहीं रखेगा, वहाँ पर डिपेंड करेगा तो कुछ पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना बनता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना बनता है। एक इक्वेशन था, नेक्स्ट इक्वेशन MN+ Aqueous
प्लस एन इलेक्ट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इन टू एन, और उसका लास्ट इक्वेशन था इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एम एन प्लस ऑब्लिक एन का स्टैंडर्ड एम एन प्लस ऑब्लिक एन माइनस आर टी एन एफ और एन एच वन अपॉन एम एन प्लस, ये एक इक्वेशन था 3.8 क्वेश्चन नंबर 3। यानी आप देख सकते हो कि जो तुम्हारा आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ये तो फिक्स है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो फिक्स होता है, इसका वैल्यू डिपेंड करेगा इस पर, अगर ये ज़्यादा होगा कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो वन अपॉन इतना होने चल के इसका वैल्यू कम हो, स्मॉल क्वान्टिटी अगर माइनस करें ये तो फिक्स है तो इसका वैल्यू हाई हो जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए एक इलेक्ट्रोलाइसिस का है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एस्प्रेसो को करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो वही वाला एनोड पर एट एनोड जो रिएक्शन है यानी ऑक्सीडेशन है, दो पॉसिबिलिटी अभी अभी तुरंत लिखे थे, वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है प्लस फोर इलेक्ट्रॉन, अभी अभी देखे थे इसका ई वैल्यू था स्टैंडर्ड पोटेंशियल का 1.36 वोल्ट, और दूसरी पॉसिबिलिटी है सल्फेट एनायन है, ये एनायन है तो ये भी एनोड की ओर जाएगा, ये जब एनोड की ओर जाएगा तो बनेगा पर ऑक्सो डाइसल्फेट, ऐसा फॉर्मूला पर ऑक्सो डाइसल्फेट एंड प्लस टू इलेक्ट्रॉन, एक ये पॉसिबिलिटी है, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 1.96 पोटेंशियल इसका बढ़ेगा ज़्यादा हो गया। तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि डायनोट अगर है सोल्यूशन तो ये वाला रिएक्शन होगा, यानी एनोड पर ऑक्सीजन लिबरेट होगा, और यदि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया गया है तो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होकर और ऑक्सो डाइसल्फेट। ठीक, तो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बना के सॉल्व करके आओगे, और जो दिक्कत होगी उसको हम लोग गूगल मीट में डिस्कस करेंगे, जिसके सी को गवा रहे हैं।